मैंने क्यों किया था। चलो गाइस उसे छोड़ो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आने वाला है आपको बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाला हूँ। ये प्यारी प्यारी डर्ट है, आप ले लो, देखिए कितनी प्यारी डर्ट है, आप ले सकते हो इसको आकर मेरे वर्ल्ड में, लेकिन आपको मैं अपने वर्ल्ड में आने की इजाजत नहीं दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं हम इस फालतू की डर्ट का क्या क्राफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखते हैं, नहीं गाइस मैं कुछ क्राफ्ट नहीं कर सकता इसका, मैं तो समझ सकते हो गाइस ये फालतू सी डर्ट है मेरे पास, बस इससे आयरन कॉलम को हम मार सकते हैं। तो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल ले लिए, ये आयरन कॉलम दिख चुका है, हमारे पास 3 डर्ट है ओनली, अब 4 डर्ट तो चली पड़ेंगी ना, लेनी पड़ेंगी ना, क्योंकि आयरन गोलम को अगर हम मारेंगे तो आयरन गोलम हम पे एक हिट मार सकता है, तो समझ सकते हो गाइज। तो एक हिट मार दिया है, जल्दी से बिल्डअप कर लेते हैं, कर लिया गाइज, बट आयरन गोलम हमें कुछ क्यों नहीं कह रहा। चलो जाके इसकी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, एक हिट और मारते हैं इसमें, देखते हैं, अबे अभी भी कुछ नहीं कह रहा, ये आयरन गोलम बहुत अच्छा है। तो गाइज इसकी पिटाई कर देते हैं इसी बात पर, जल्दी से मार लेते हैं इसको, ये भागा जा रहा है, एक ए ए यस यस, एक हिट और, यस यस खत्म। लेकिन गाइस देख सकते हो आप, मेरी किस्मत बिल्कुल खराब है, उनने बस 3 मुझे आयरन इंगट दिए हैं। तो जल्दी से अब कोल को भी माइन कर लेते हैं, क्योंकि आगे के टाइम में हमें ये कोल बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर हम माइनिंग वाइनिंग के लिए जाएंगे अगले पार्ट में सीरीज के, तो हमें ये टॉर्च बनाने के काम आएगा, तो आप समझ जाओ। तो अब जल्दी से चलते हैं, अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं हम इस आयरन का क्या क्राफ्ट कर सकते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को इन्वेंटरी में निकालता हूँ मैं, और जल्दी से इसको प्लेस करता हूँ। देख सकते हो गाइस ये एक ग्लिच है माइनक्राफ्ट का, ये बग है, देख सकते हो किस टाइप का बग है ये, कि क्राफ्टिंग टेबल हवा में उड़ रही है, देख सकते हो क्राफ्टिंग टेबल हवा में उड़ रही है, क्या ग्लिच है ब्रो ये, माइनक्राफ्ट वाले भी ना पता नहीं क्या क्या ग्लिच निकाल देते हैं। फ्लावर से ये हो रहा है, बताओ कोई नहीं। चलो गाइस ये फ्लावर मैं विलेजर के घर में रख देता हूँ, क्योंकि विलेजर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इन्हें एक एमरल्ड भी दे दिया गाइस, जल्दी से ले लेते हैं, और सैडल भी ले लेते हैं, और इस क्राफ्टिंग टेबल को भी इक्विप कर लेंगे, कल को ये काम आने वाली है। तो जल्दी से सोने के लिए चलते हैं, रात होने वाली है, और एमरल्ड और सैडल तो ले लिया हमने, तो जल्दी से हॉर्स भी को टीम करने में ये काम आएगा हमारे लिए, तो हम जल्दी से सो जाते हैं, सही से सो जाते हैं, ठीक है। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स गाइस एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आज ये माइनक्राफ्ट की सही नहीं सुहानी सी सुबह। अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास, और इस क्राफ्टिंग टेबल को देखते हैं इसमें क्या बना सकते हैं हम। 3 आयरन का पिकेक्स बनाऊंगा तो फालतू गिरी हो जाएगी, तो अब बकेट क्राफ्ट कर लेते हैं हम। बकेट MLG के लिए काम भी आ जाती है, और इससे थोड़ा बहुत जो भी हमारा काम होता है वो भी थोड़ा हो जाता है, बकेट हमारे काम में आ जाती है। और मैंने पिकेक्स अगले पार्ट में बना लूँगा मैं, क्योंकि अगले पार्ट में जाएंगे हम डायमंड माइनिंग के लिए, समझ सकते हो, तो इसलिए मैंने अपनी पिकेक्स माइन नहीं की है। तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा आयरन वायरन ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर नीचे जाने के लिए मुझे I think वाटर लेना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं वाटर लेकर आते हैं। मैंने शायद से देखा था उस घर के बाहर एक कॉल्ड्रोन था जिसके अंदर वाटर भर रहा हुआ है, यहाँ से मैं वाटर निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस मैंने वाटर निकाल लिया है, मेरे बकेट में वाटर आ चुका है, अभी MLG के लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा मेरे को। तो इस घर में चलते हैं, देखते हैं इस घर में कुछ हमें सामान वामान मिलता है, लेकिन नहीं गाइस यहाँ नहीं है। विलेजर देखते हैं क्या ट्रेड कर रहा है, तो ये बुक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लॉक है तो इसलिए हम नहीं कर सकते, और ये पेपर से एक एमरल्ड दे रहा है, तो ये फालतू गिरी मुझे नहीं करनी है। और ये विलेजर बहुत गंदा है, इसलिए इसको हम पिटाई कर देते हैं, इसकी पोटैटो देते हैं, नहीं पोटैटो भी रख लेता है भिखारी, कहीं का भिखारी भिखारी बनता है तू, हैं मार दूंगा तेरे को अब, तू जान से मार दूंगा, ख़त्म हो जाएगा तू, अब गुपचे वुपचे में कहीं भी जाएगा तो तू गुपचे में जाएगा, रुक जा रुक जा, तू गुपचे में जाने की कोशिश करता हो बे, गोपचे में चला गया, अब ले तू मर गया, मरा ना, जब से मैं तुझसे हाथ से पिटाई कर रहा था तुझे समझ में नहीं आ रही थी, अब एक्स से मरा ना, आया स्वाद। अब जल्दी से चलते हैं गाइस, देखते हैं नीचे आयरन वायरन हैगा या नहीं है। तो तुम्हारा भाई देखो MLG में कितना प्रो है,
देखो गाइस एमएलजी कितनी बढ़िया कर लेता है तुम्हारा भाई, आधा हार्ट चला गया तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आयरन मिला नहीं है गाइस, तो ऊपर एक हाउस दिख रहा है, यहाँ पर ही बेल्स दिख रही है गाइस। ये बेल्स को हम तोड़ लेते हैं क्योंकि आगे हमें खाने वाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम अपना खाना वाना ले सकते हैं। तो जल्दी से ये बेल हमारे बहुत काम आने वाली है, इसको ले लेते हैं। तो गाइस होने वाली है हमारी सारी ये बेल्स खत्म। ये देखो गाइस हमने सारी माइन कर ली है, सामने हमें हॉर्स भी दिख रहा है, इसको हम टेम कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं। तो हम अंदर से सैडल निकाल लेते हैं, सैडल निकाल लिए और एप्पल भी निकाल लेते हैं क्योंकि हम इसे ब्रीड कराएंगे। तो जल्दी से अंदर चलते हैं इसके पास और इसको ब्रीड कराते हैं। तो अंदर चलते हैं, आ चुका हूँ गाइस, इन्हें मैंने फीड करा दिया है और लेकिन ये सैडल तो पहन ही नहीं रहा है, ये बहुत गंदा है, एक एक्स खा कर ही मानेगा। खा लिए इन्हें एक एक्स और देखो गाइस अब ये मेरे से टीम हो जाएगा। देखो गाइस ये ना लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है, तो समझ सकते हो ना कितना बेकार है। और ये पिग्गू कहाँ भागते हैं, तुम निकल के भागते हो, निकल के भागते हो हैं। अब देखो तो मैं नीचे फेंक के मार दूंगा, एक तो मर चुका है गाइस अभी नीचे गिर के, लेकिन ये बहुत डीट है पिग्गू, ये नहीं मरा। कोई बात नहीं इसे इग्नोर मारो और जल्दी से हम अपने घोड़े पे बैठ जाते हैं और इसकी सवारी कर लेते हैं। तो जल्दी से बाहर चलते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा यार मैं, तो जल्दी से इस फेंस को भी तोड़ लेते हैं। तो गाइस ये भी टूट चुकी है, अब मैं बाहर भी जा पा रहा हूँ। तो अब ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं थोड़े वर्ल्ड को, ब्लेजर को पीटते हैं लेकिन नहीं पड़ा उसके, चलो इसको ही मार देते हैं ख़त्म गाइस। तो यहाँ पर ये शीप कहाँ भाग रही है, चलो उसे जाने दो। माइनक्राफ्ट में बहुत सारे बग्स हैं जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो समझ सकते हो अगली सीरीज में आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अचीवमेंट दिखाने वाला हूँ अपनी। हम इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आगे लेकर जाएंगे, और यार एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम एक हफ्ता चला जाता है। तो प्लीज़ यार गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाओ मुझे, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार गाइस। तो जल्दी से देखो गाइस तुम्हारा भाई कितना प्रो है, खावा खाई में बकेट से एमएलजी कर लेता है, देख सकते हो। अब नीचे भी एमएलजी करके जाएगा तुम्हारा भाई, देखो गाइस कितनी बेकार एमएलजी है, तुम्हारा भाई सस्ता एमएलजी में प्रो है, देख सकते हो। और आगे वाली सीरीज में हम ये सीरीज की एंड वाले पार्ट में हम एंड ड्रैगन को मारेंगे और एंड ड्रैगन को मार के एंड सिटीज भी लूटेंगे। तो गाइस समझ सकते हो वीडियो में और सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि अगर मैं ये वाली सीरीज का अगला पार्ट लेकर आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो यहाँ पर। तो जल्दी से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं अपने वर्ल्ड को, मैं बार बार वहीं घूमे जा रहा हूँ। तो चलो चलो चलते हैं, यहाँ पर एक घर है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस है गाइस, तो इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि इससे जल्दी से स्मेल्ट हो जाता है, फर्नेस से ज़्यादा जल्दी से स्मेल्ट होता है, इसलिए मैं ब्लास्ट फर्नेस को ज़्यादा अहमियत देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इस वाले घर में देखते हैं कुछ भी नहीं है गाइस, दो फुट की तो इनकी जगह होती है घर में, विलेजर उसकी पता नहीं कैसे विलेज है माइनक्राफ्ट के, हम इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते गाइस। तो हम वहीं पर ही घूमने जा रहे हैं, अपने विलेज को बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लोर कर लिया, अंदर जाके देखते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे बंकर स्टील के अलावा। तो गाइस हमें अपना एक सर्वाइवल हाउस बनाना है, उसके लिए हम ये वाली जो लकड़ियाँ हैं इनको अच्छे वाली बनाकर और फिर इन्हें तोड़ लेते हैं। तो ये काम बहुत ज़्यादा मेरा देर का होने वाला है, तो ये टाइम लैप्स का टाइम है, तो इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। पास इनफ रिसोर्सेस कलेक्ट हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से अपने हाउस को बिल्ड कर लेता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं हाउस कैसे बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको वो हाउस बनाने के बाद ही मिलता हूँ और मैं दिखा दूंगा कि मैंने वो हाउस कैसे बनाया है और देख सकते हो। तो जल्दी से हम हाउस को बिल्ड करने के बाद मिलते हैं।
तो गाइस इतनी मेहनत के बाद मैंने ये हाउस बिल्ड किया है। देख सकते हो ये कितना प्यारा हाउस है। इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो गाइस प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। चलो मैं अंदर से आपको ये हाउस दिखा देता हूँ। चलो चलो चलते हैं। देखिए ऊपर वाला फ्लोर दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। ये देखिए ये मेरा वर्किंग रूम है जहाँ पे मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। यहाँ मेरे कुछ चेस्ट वगैरह रखे हुए हैं और क्राफ्टिंग टेबल, बैरल्स और भी बहुत सारा सामान है। और हम अगर ऊपर से करना चाहें, हमारा हैंड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो हम इन ट्रैप डोर पे चढ़कर अपना वर्क कर सकते हैं। तो गाइज ये हाउस मैंने बहुत सोच समझ के बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी थी और बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ी थी। और देखिए नीचे मेरा यहाँ पर एक फार्म है जहाँ पर मैं अपना खाना वाना कर सकता हूँ। और ये फार्मिंग रूम है जहाँ से मैं अपना फार्म करने का सामान ला सकता हूँ। तो देख सकते हो गाइज कितना बढ़िया हाउस बनाया मैंने। और यहाँ पे कोई मॉब्स वगैरह ना आए इसलिए मैंने वहाँ पर फेंसेस लगा दिए थे। और यहाँ से देख सकते हो आप बाहर का नज़ारा है। ये यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू आता है घर का। देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ से आप इंजॉय भी कर सकते हो अपने घर का बाहर का एरिया। तो देख सकते हो चलो अब नीचे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। जल्दी से चलते हैं, अपना गेट बंद कर देते हैं और चलते हैं जल्दी से नीचे। और जल्दी से चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ से दूर जगह जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया था मैंने, इसलिए यही तो यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ से अगर हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो हम अपने घर का व्यू भी ले सकते हैं आराम से। देख सकते हो गाइज हमारा घर कितने अच्छे से दिख रहा है, घर का तो कितना अच्छा व्यू है। देखो गाइज अब हम नीचे चलते हैं। एमएल जी तुम्हारे भाई निकल लिए, अब जल्दी से चलते हैं अपने घर में। चलिए चलते हैं। तो गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ अपने और यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए गाइस ये घर मैंने कितनी मेहनत से और कितनी ग्राइंडिंग करके बनाया है। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक बनता है। बाय बाय गाइस, बाय बाय।